नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए, तो आज हम करेंगे अगली जो शिफ्ट में पेपर हुआ था 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, वो जो पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चूंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज वाला खंड हम छोड़ देंगे, ठीक है, और सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, ये दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला को जारी कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश? सो आंसर इज न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये कौन थे? मध्य प्रदेश मतलब ये क्या थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एक चीज़ और, ऐसे कितने न्यायाधीश हुए हैं जो एमपी हाई कोर्ट अर्थात एमपी से संबंधित हों और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बने हों? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उनमें एक अपने एम हिदायतुल्ला भी क्या हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। एक चीज़ और जुड़ी हुई है एम हिदायतुल्ला से, कि पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति, मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे, तो उपराष्ट्रपति के पद पर भी एम हिदायतुल्ला की नियुक्ति की गई थी, राइट। तो ये दो फैक्ट इनके बारे में जान लिया। पहला फैक्ट तो यही है कि ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्या थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे, ये सीजीआई भी बने थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। तीसरा फैक्ट, ये मध्य प्रदेश से जाने पर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्यभार इन्होंने संभाला था, राइट। अगला क्वेश्चन, तो ये उपराष्ट्रपति के रूप में किसमें? कार्यकारी राष्ट्रपति के राष्ट्र रूप में नियुक्ति भी कई बार हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई? तो दोस्तों ये वेरी इजी क्वेश्चन है, कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया के द्वारा वो क्या गई, कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में। ये भारत की राष्ट्रपति, भारत की मूल की जो व्यक्ति थी कल्पना चावला, राइट। अगला, भारत के चारों कोनों में चार मठ स्थापित किसने किए हैं? तो दोस्तों शंकराचार्य। तो आचार्य शंकराचार्य जो थे वो क्या थे? एक हम कहें भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे, जिन्होंने क्या किया था? भारत के चारों कोनों में क्या दोस्तों बनाए थे? इन्होंने मठ बनाए थे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी जगह हैं जिनमें इन्होंने मठ की स्थापना की थी, राइट। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी। इसका मतलब है कि दिवस हमने देखे, पिछली बार भी देखा, इस बार भी देखा, दिवस से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो दिवस हैं हमारे वो क्या हैं? 5 स्टार वाले हैं, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी दिवस पूछा ही जाता है, राइट। तो दिवस को आप अच्छे से याद कर लें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है जो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये दोस्तों करेंट का क्वेश्चन था, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये भी करेंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था,
तो देखो कोई खेल से संबंधित अगर कोई न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसको ज़रूर याद करें, उसको ज़रूर पढ़ें। अगला, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग की गई हैं 500 रुपये पर? 500 का जो नोट था हमारा, मतलब जो है, उस पर कितनी भाषाएं लिखी गई हैं? तो टोटल दोस्तों कितनी भाषाएं हैं आपको मालूम होना चाहिए, टोटल 17 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 17 भाषाएं हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो कितनी बचेंगी? टोटल 15 भाषाएं, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? दोस्तों ये भारत के मैप में आप देखोगे तो, अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। तो यहाँ पर क्या लगती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। तो इस तरीके से अगर आप मैप बनाएं तो ये क्या होगा? पूरब। तो पूरब में जो सीमा है वो कौन सी राज्य की बनी हुई है? लगती है अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये मैपिंग वाला सेक्शन भी देख लें, कि मैपिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो मैपिंग तैयार रखें आप। तो पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? सॉरी, पूर्वी राज्य, पश्चिमी नहीं, सॉरी, पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का? सबसे पूर्वी राज्य तो आप बता सकते हैं कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी कौन सा राज्य है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली। ये करेंट से पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन, जय संहिता, ठीक है, जय संहिता को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जय संहिता को महाभारत के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, केवल अगर संहिता की बात करें तो क्या होता है? केवल संहिता की बात करें, संहिता की, तो हमारे 4 वेद हैं, ये ऋग्वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगर ये चारों वेदों की बात करें तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे संहिता कहलाते हैं। लेकिन जय संहिता की बात करें तो वो हमारा महाभारत कहलाता है। इसी के साथ अगर हम वेद त्रयी की बात करें तो ऋग्वेद को छोड़कर 3 अन्य वेद जो हैं उनको क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने फैक्ट तैयार कर सकते हैं। अगला, रानी दुर्गावती संबंधित हैं दोस्तों कहाँ की थी? रीवा की थी क्या? ग्वालियर से थी, पन्ना से थी, या जबलपुर से? दोस्तों ये जबलपुर से संबंधित हैं। अच्छा मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज का कारखाना कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर कहाँ है? होशंगाबाद। तो देखो सिक्योरिटी पेपर कहाँ है? होशंगाबाद। अच्छा, न्यूज़पेपर मिल कारखाना जो बनता है, उस न्यूज़पेपर से संबंधित जो कागज़ है उसको बनने का कहाँ पर हम कहें कारखाना है, तो आप बताइएगा क्या है? नेपा नगर। तो नेपा नगर में क्या है? जो है नोट बनाने से संबंधित कारखाना है। और यहीं पर अगर सिक्योरिटी पेपर की बात करें, यानी सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? प्रतिभूति, ठीक है, जो सिक्योरिटी होती हैं, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी, तो वो क्या होती है? सिक्योरिटी होशंगाबाद में। तो वहाँ कहाँ पर कारखाना स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैढ़न, बैढ़न में क्या है दोस्तों? सिंगरौली का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, सतना गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना गोला मठ कहाँ है दोस्तों? मैहर में, कहाँ है? मैहर। अगला क्वेश्चन, मुरैना में, जो मुरैना है हमारा, मुरैना राज्य, मुरैना जिला, तो मुरैना में दोस्तों क्या है कि
आठवीं से 12वीं शताब्दी के दौरान क्या बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे। तो 22 मंदिरों का जो समूह है वो मुरैना में कहाँ, कौन से स्थल पर है, कौन से स्थान पर है? नरेश्वर में। क्या है? नरेश्वर में। तो जो मुरैना में 8 से 12वीं शताब्दी अर्थात राजपूत काल में जो 22 मंदिरों का समूह बनाया गया था वो कहाँ है? नरेश्वर में। अगला, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। क्या? होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, ठीक है, तो विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, मैकल। देखो अरावली तो बहुत दूर है राजस्थान में, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा विंध्य। विंध्य क्या है? विंध्य एक बहुत बड़ी श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है, और जो कि लगभग लगभग नर्मदा के क्या है, उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में क्या है, विंध्य है, ठीक है। तो और विंध्य है, यहाँ विंध्य है, इसके बीच में क्या बह रही हैं? नर्मदा जी बह रही हैं, ठीक है, और नर्मदा जी के नीचे क्या बह रहा है, सॉरी कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा मतलब सात पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो वहीं पर क्या पड़ता है? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में जो है वो क्या है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पर हैं दोस्तों? होशंगाबाद में जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा, राइट। जैसे कि सतपुड़ा में आप देखोगे ग्वालीगढ़, ठीक है, पहले राजपीपला, ग्वालीगढ़, मैकाल पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा, और सतपुड़ा, मैकाल पर्वत, और आप कहे हुए अमरकंटक और मैकल, ठीक है, मैकल। तो इस प्रकार से ये क्या हैं? सात श्रेणियाँ बनाई हैं, मैकल और अमरकंटक। तो इस तरीके से ये सात श्रेणियाँ बनाई गई हैं, बनाई गई नहीं सॉरी बनी हुई हैं, ठीक है, सात श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, सात पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं दोस्तों? सतपुड़ा। अगला, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? तो बालाघाट को शहर किस नदी के तट पर, मतलब हम कहें कि वन द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के तट पर, नदी के तट पर बालाघाट शहर है? तो दोस्तों वो है बैनगंगा, राइट। छिपरा उज्जैन से जाती है, तो बालाघाट तो देखो अपना साउथ ईस्ट में है, तो छिपरा में तो हो ही नहीं सकता। नर्मदा, नर्मदा बहती है लेकिन बालाघाट के उत्तर से बहती है। बेतवा, बेतवा दोस्तों अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीवा पन्ना वाला जो एरिया है, ठीक है, तो पन्ना है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें बहती है। तो इस तरीके से ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा हो जाएगा? बैनगंगा। चूंकि ये आंसर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर ही दिखाई दे रहा है, अगर ये शो नहीं होता तो हम एलिमिनेशन भी करके निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 आयोजित किया गया है इंदौर में। तो दोस्तों ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी, तो दोस्तों एक नदी है हमारी चंबल, ठीक है, तो गांधी सागर जो अभयारण्य है उसको पूर्वी और पश्चिमी भागों को अलग करती है वो। गांधी सागर अभयारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, ठीक है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन जीके से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखे। तो इसमें हमने क्या रियलाइज किया है कि दिवस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, खेल से संबंधित कोई न्यूज़ आ रही है
तो उससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे ही जा रहे हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन पर। तो अब देखो ये मैथ वाला है, तो मैथ्स को अभी नहीं करेंगे हम, और हम सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर पर, कंप्यूटर वाले पोर्शन पर। हाँ ये है हमारा कंप्यूटर। यस ये अब देखो, कुछ डॉट 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 कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित दूरी पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, लॉजिक बूम, क्या कहलाता है, लॉजिक बूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताना कि कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है, ठीक है, बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, बूटिंग क्या होता है ये बताइएगा। एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होती है, देखो एक कंप्यूटर में, अब पूछ क्या, व्हाट इज द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अर्थमेटिक मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, रैम और रोम। तो रैम और रोम क्या है, ये कंप्यूटर में इनबिल्ड होती है मेमोरी। अच्छा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, क्या बोलते हैं, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा कि क्या होता है कंप्यूटर में, सपोज करो ये हमारा क्या है दोस्तों, कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है, क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है दोस्तों, राइट, ये मान के चलते हैं हमारा क्या है दोस्तों, कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, इधर होती है इनपुट डिवाइस, इधर क्या होगा हमारा दोस्तों, इस साइड होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। तो क्या है कि बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने कि कंप्यूटर में क्या होगा दोस्तों, इनपुट होंगे, इनपुट डिवाइस होगी, फिर क्या होगा, सीपीयू होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर को शो करा हमने मान के चलते हैं ये सीपीयू है, और दूसरा क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर का आर्किटेक्चर में इनपुट आउटपुट और सीपीयू, सीपीयू का जो पार्ट होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। तो जो मेमोरी पार्ट होता है वही, उसी में क्या होती है, रैम और रोम होती है हमारी, ठीक है। तो यही पूछा है कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, रैम और रोम। अच्छा रैम और रोम में क्या है, रोम क्या होता है, एक क्या होती है हम कहें कि स्थाई मेमोरी होती है, और वहीं रैम क्या होती है, अस्थाई यानी वॉलेटाइल, और ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल। लेकिन रोम के कई प्रकार होते हैं, सामान्यतः तो क्या होती है, अस्थाई होती है, लेकिन पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम जो होती है, जैसे कि ई रोम रिजिबल, पी रोम होती है एक, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम होती है रिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी आर ओ एम रोम होती है यानी इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकली रिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से ये मेमोरी होती है, ठीक है। उसके प्रकार रैम के भी एस रैम डी रैम होता है, खैर वो आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। आगे बात है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है, एक्सेल जो होता है हमारा, ठीक है, बड़ा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक सेल एक्टिव होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव सेल, करेंट सेल,
रेंज सेलर डिस्क। तो क्या होता है दोस्तों, करंट सेल जो होती है वही हमारी एक्टिव सेल होती है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मक, इंग्लिश में पढ़ो देखो, व्हाट इज द मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर है मेल मर्ज का उपयोग मेल लेवल्स तथा एन विल्स क्रिएट करने या प्रेषित करने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएट एंड सेंड बल्क मेल लेवल्स एंड इनवेलप्स। ठीक है, तो जो मेल मर्ज का यूज किया जाता है क्रिएट सेंड एंड लेवल्स एंड इनवेल्स के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं। कोई वेबसाइट है उसको क्या कर रहे हैं, अपन लॉगिन कर रहे हैं, तो कौन सी दो चीज़ें की जरूरी होती है। एक तो हमें उसका यूजर नेम मालूम हो और उस वेबसाइट का क्या हो, पासवर्ड मालूम हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप समीक्षा के वेबसाइट पर जाते हो, तो अगर आपको समीक्षा की वेबसाइट पर जाना है तो आपको समीक्षा में आपका यूजर नेम होना चाहिए और आपकी एक पासवर्ड होना चाहिए, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, अच्छा देखो मैंने बताया था जो ल्यूमेन का मॉडल था, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट दो रूपों में होता है, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी और एक क्या होता है दोस्तों, हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या होगा, जो मॉनिटर पर शो होगा, जो जो मॉनिटर पर शो होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्ट कॉपी। और जो स्कैनर के थ्रू हम लेंगे वो क्या होगा, हमारा हार्ड कॉपी। अब स्कैनर में प्रिंटेड प्रिंटिंग वाला हो या नॉन प्रिंटेड इम्पैक्टेड प्रिंटर में क्या होते हैं, प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मॉनिटर, तो मॉनिटर में भी आप देख सकते हैं। तो मॉनिटर, अब इसमें पूछा गया है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों, मॉनिटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मॉनिटर। और प्रिंटर क्या पूछता, तो वो हार्ड कॉपी डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला, एक्सेल में B5 जैसे, ठीक है, B5 जैसा जो है अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन लाइक B5 इन एक्सेल वुड मीन आ, तो उसका क्या अर्थ है, क्या मीन है B5 का। ठीक है, तो सेल एड्रेस, क्या दोस्तों, सेल एड्रेस क्या होता है एक्सेल में। तो देखो एक्सेल हुआ, वर्ड फाइल हुआ, डॉक्स हुआ, इनको जरूर तैयार कर लें आप। अगला, एम एस वर्ड विच आइकन यूज टू चेक स्पेलिंग इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सा आइकन यूज होता है। तो दोस्तों ABC देख रहे होंगे आप, जब देखोगे खोल के एम एस वर्ड, तो उसमें इस तरीके का साइन बना होता है, आइकन बना होता है ABC, राइट। अगला, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य है। फायरवॉल किसके लिए होती है दोस्तों, ये सबको मालूम है, क्या होती है, सुरक्षा के लिहाज से। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर को जो थ्रेट पहुंचा सकते हैं यानी वायरस के रूप में, उनके प्रकार बताइए। जैसे मालवेयर हुआ, एंटीवायरस तो नहीं, वायरस हुआ, मालवेयर हुआ, तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा है फायरवॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, MS Excel में रेंज, तो MS Excel में रेंज क्या होती है, ए से A10 तक क्या होती है, एग्जाम्पल रेंज इज MS Word। तो एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल रेंज ऑफ MS Word, तो MS Word में जो रेंज होती है इस तरीके से लिखी जाती है डॉट करके। इस तरीके से आपको ये साइन ध्यान रखना है, किस तरीके से लिखते हैं रेंज को, ए से A10 तक डॉट करके लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है सफारी, क्या है दोस्तों, सफारी। एप्पल के द्वारा जारी किया गया इंटरनेट ब्राउजर क्या है, सफारी।
अगला, एमएस वर्ड 2017 में सभी टैब होम टैब इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? रिबन में। ठीक है, अब देखो एमएस वर्ड 2007 है, 2010 है, तो जो इसके जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, जैसे कि होम टैब इंसर्ट टैब, तो ये कहाँ लोकेट हैं? आप एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिकल देखें इनको, तभी ये क्लियर होंगे आपके। तो ये जो होते हैं एमएस वर्ड में सभी टैब कहाँ हैं? रिबन में, राइट। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज यूजर के बीच समझौता साझा करता है कौन? नेटवर्क। ठीक है, शेयर अशेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा एमोंग ऑथराइज यूजर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के मध्य क्या होता है, एक बीच साझा करता है या शेयर करता है, तो कौन करेगा दोस्त? जाहिर सी बात है, कोई नेटवर्क होगा तो नेटवर्क ही करता है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर डॉट 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 की उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप करने के लिए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है? द की ऑन द कीबोर्ड इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कौन सा होता है? बैक स्पेस। ठीक है, तो बैक स्पेस जो होता है, अगर हमें कोई जैसे लिखा ए बी सी लिखा है, ठीक है, ए बी सी, अगर इसको हमें क्या करना है, अब कर दिया, अब कर्सर चल रहा है हमारा यहाँ, तो अब जे जे वाला ये वाला लेटर है सी, इसको हटाने के तो क्या करेंगे, बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। तो पहले कौन सा? कैप्स लॉक तो बड़े कर देता है, डिलीट नहीं कर सकते, कर्सर कंट्रोल नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं लेकिन फिर ये रीडू अंडू हो नहीं होगा, इसीलिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है? अब जो बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स लिस्ट, जो जैसे 1 2 3 या डॉट डॉट ऐसे करके 1 2 3 4 नंबर होते हैं ना, अपन जैसे कोई फाइल बना रहे हैं, 1 2 3 4 लिख देते हैं, यहाँ डॉट डॉट बना देते हैं, यहाँ स्टार बना देते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? तो पैराग्राफ में क्या होती हैं? लिस्ट होती हैं वो। ठीक है, अगला, वायरस ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब को के लिए जाना जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए। मैंने बताया था, अभी बता रहा था, जो वायरस ट्रोजन हॉर्स हॉर्स और बॉम्ब क्या होते हैं मित्र, ये हानि पहुंचाते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिवाइस जो टेली कम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के द्वारा एक साथ जोड़ती है वो तो कहलाती है राउटर। ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और 2017 में उधर पूछा गया था, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इट्स अ डिवाइस दैट जॉइन टेली कम्युनिकेशन लिंक्स एंड ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। अगर बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना है ऐसे करके तो क्या होता है दोस्तों, तुमने देखा होगा एक राउटर होता है, एक राउटर रखा होता है, वही क्या करता है, जोड़ता है उससे, राइट। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है? तो द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इस HTML। HTML को हम क्या करती हैं, WWW को मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का क्या करना है, उपयोग करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल करने वाली कौन सी है कोडिंग लैंग्वेज, क्या कहलाती है वो? HTML। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WWW निम्न में से प्रयुक्त होता है किसके लिए? वेब वर्ल्ड वाइड के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, वाइड वर्ल्ड वेव या वर्ल्ड वाइड वेव गेम्स, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। www.google.com में WWW निम्न में से के लिए प्रयुक्त होता है, किस लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। जी, लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में थीसोस टूल, ठीक है, थीसोस टूल इज यूज्ड फॉर, जो एमएस वर्ड होता है हमारा उसमें जो थीसोस टूल होता है उसका उपयोग किया जाता है समानार्थी शब्द ज्ञात करने में, क्या करने में? समानार्थी शब्द ज्ञात करने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्यूटर का पोर्शन खत्म हुआ। तो दोस्तों इसको करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला कंप्यूटर में निकला कि
एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, इनको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल अगले पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।